हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं रेडमी 9A। दरअसल ये फ़ोन में प्रॉब्लम ऐसा है, इसके बैंड वगैरह तो सिलेक्ट हो रहे थे लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा था। तो देख लीजिए, हमने इसे नेटवर्क सर्च किया और काफ़ी देर बाद इसमें पूरे बैंड आए, लेकिन प्रॉपर बैंड नहीं आ रहे थे, 2G वाले आइकॉन ही गायब थे इसके अंदर। तो हमें ऐसा लगा कि 4G वोल्टेज की वजह से ऐसा हो रहा है, 4G IC जो है वोल्टेज बना के आगे हमारे 2G बैंड को बराबर भेज नहीं रही है। तो हमने फटाफट इसका मदरबोर्ड ओपन कर लिया है और इसकी IC हम अभी पहले शील्ड निकाल लेंगे हम माइक्रोस्कोप में देख के, उसके बाद हम IC इसकी उतारेंगे। तो देख लीजिए, ये शील्ड हमने बस उतार चुका है, समझ लीजिए ये उतर चुकी है हमारी शील्ड। अभी हम थोड़ा पेस्ट लगा के इसे, इसकी जो IC है हम इसे उतार लेंगे। तो देख लीजिए बस उतरने वाली, आजू बाजू जो कंपोनेंट है वो डैमेज नहीं होनी चाहिए, एकदम हमें आराम से काम करना है। तो अभी हम डिसोल्डिंग वायर की मदद से ये पूरा जो है जगह वो क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने से होगा ये जो हमारी जो IC का सरफेस है वो बढ़िया क्लीन हो जाएगा, और हमारी ये जो नई IC हम अभी लगा रहे हैं ये ऑलरेडी रिबॉल है, तो ये एक ही बार में बैठेंगी। जैसा हम हिट मारेंगे तो देख लीजिए जगह पर आ चुकी है और हिल भी रही है हल्की हल्की, इसका मतलब ये है बैठ चुकी है IC हमारी। अभी हम फटाफट फ़ोन पैक कर लेंगे। अगर आपको कोई फ़ोन रिपेयर के लिए डालना है तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक के आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। तो देख लीजिए बस फ़ोन हमारा ऑन होने ही वाला है, तो ऑन होते तक के थोड़ा वेट कर लीजिएगा। ये देख लीजिए नेटवर्क आ चुका है। अगर आपको इसी तरीके से वीडियो देखना है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो देख लीजिए अभी हमने कॉल लगा चुका है, तो ये देख लीजिए रिजल्ट ये रहा हमारा कॉल जो लग चुका है। तो बस आज के लिए यही था, अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।